तो दोस्तों यार ऐसे लोफी वाले आपको थंबनेल्स बनाने हैं अनलिमिटेड, वो भी एचडी क्वालिटी में। तो सबसे पहले तो करना क्या, आपको चलाना है गूगल प्ले स्टोर पर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको सर्च कर देना है इमेज सर्च मैन, ठीक है। ये वाला एप्लीकेशन 4-5 MB का डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। मैंने डाउनलोड कर रखा है, यहाँ पे ओपन करता हूँ। एंड जैसे ही आप ओपन करोगे सिंपल सा इंटरफेस देखिए ऐसा खुलेगा। यहाँ पे सर्च पे आपको टाइप कर देना है सिंपली लोफी या फिर अलोन बॉय या स्लो एंड रिवर। भी देखिए मेरी हिस्ट्री यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। लोफी जैसे मैंने सर्च किया, देखो भाई सब एचडी में अनलिमिटेड बैकग्राउंड्स खुल चुके हैं, सब एचडी में। यहाँ पे सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करोगे सीधा आपकी गैलरी में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप अलोन बॉय लिखोगे तो भी आपको ये देखिए सब मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप कट करके रेशियो बना लेना यूट्यूब का, ठीक है। ये सब लोफी के लिए एकदम बेस्ट रहेंगे, ठीक है, थंबनेल के लिए। ये देखिए स्लो प्लस रिवर्ब मैंने लिखा, इस पर भी आपको अच्छे अच्छे देखिए बैकग्राउंड्स आपको मिल जाते हैं एचडी में, ठीक है। तो इतना काम कर लेने के बाद हमें करना क्या है, देखो। तो दोस्तों आगे का काम हम लोग करेंगे पिक्सल लैब एप्लीकेशन पर, ठीक है। नहीं है तो डाउनलोड कर लेना गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले देखो हमें यहाँ 3 डॉट पे जाना है, ठीक है। इमेज साइज पर चले जाना है एंड यहाँ से हमें इसको साइज को सेलेक्ट कर लेना है यूट्यूब थंबनेल, ठीक है। थंबनेल बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कर लेना है एंड यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे आ जाना है, ठीक है, बैकग्राउंड वाले। यहाँ पे जैसे ही जाओगे एंड यहाँ पे आपको कलर पे चले जाना है। कलर यहाँ से आपको ले लेना है, जो भी कलर आप ले सकते हो, ब्लैक ले सकते हो, ठीक है, ब्लू ले सकते हो, कोई भी। जैसे मैंने ब्लू ले लिया, ठीक है। अब आपको जो भी अच्छा लगे, ठीक है। प्लस पे जाना, ऊपर देखिए यहाँ पे फ्रॉम गैलरी पर चले जाना है एंड आपने जो लोफी के जो है एक दो अपने बैकग्राउंड्स डाउनलोड कर रखे हैं, ठीक है, उनको यहाँ इंपोर्ट कर लेना है उसी एप्लीकेशन से, ठीक है। देखिए यहाँ से मैंने ये वाला डाउनलोड कर रखा है, इसको ले आता हूँ, ठीक है। पहले ये टेक्स्ट को हमें हटा देना है यहाँ डस्टबिन के ऑप्शन से ऐसे, ठीक है। अब इस लेयर पे टैप करना है एंड यहाँ से आप इसको कॉर्नर पर रख कर इसे ऐसे स्ट्रेच कर देना है, ठीक है। अब आप अपने अकॉर्डिंग ऐसे रख लेना और साइड साइड से आप थोड़ा सा स्ट्रोक के टाइप में आप छोड़ सकते हो, जिससे थोड़ा और अच्छा लगने लगे, ठीक है। जैसे इसी को मैं यहाँ से कोई और कलर दे सकता हूँ, जैसे कि येलो कलर है, ये कलर है, तो इस तरह से तगड़ा लगेगा, ठीक है। इतना कर लेने के बाद देखो करना क्या, अब यहाँ पे मैं जैसे इसका बैकग्राउंड रख लेता हूँ ब्लैक, ठीक है, ब्लैक अच्छा लगेगा। एंड फिर से इस लेयर पर टैप करना है, ठीक है, ऐसे बीच वाले पे। एंड यहाँ से आपको चले जाना है, सबसे पहले इसकी ओपेसिटी को कर देना है थोड़ा सा कम, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। एंड इफेक्ट शैडो को इनेबल कर देना है, ठीक है, बस ओके कर देना है। इतना करने के बाद प्लस पे चले जाना है, टेक्स्ट पे चले जाना है एंड यहाँ से सिंपली हमें लिख लेना है अपना टेक्स्ट, ठीक है। जैसे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, बॉलीवुड मैशअप मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखना ध्यान से, यहीं से असली काम चालू हुआ, ठीक है। यहाँ से मैंने इतना काम कर लिया एंड यहाँ ए वाला ऑप्शन जो है टेक्स्ट वाला, इस पर चले जाना है एंड यहाँ से हमें सबसे पहले तो यहाँ से फॉन्ट हमें सेलेक्ट करना है। भाई लोफी में ज़्यादातर यही फॉन्ट यूज़ होता है, ये कस्टम फॉन्ट है। अगर कस्टम फॉन्ट लगाना नहीं आता तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो हाउ टू इंस्टॉल कस्टम फॉन्ट इन पिक्सल लैब, ठीक है, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर यही वाला कस्टम फॉन्ट सबसे ज़्यादा लोफी में चलता है, देखिए आप देखे होंगे ये वाला, ठीक है। इतना करने के बाद हमें जो है इसका जो है कलर चेंज कर लेना है, कलर चेंज करना है। अब आप जो भी कलर आपको अच्छा लगे, ठीक है, जैसे मैंने येलो कलर रख लिया, ठीक है, आप जो भी रख सकते हो। उसके बाद हमें एक काम और कर लेना है, यहाँ से स्ट्रोक को इनेबल कर देना है। स्ट्रोक इनेबल नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा भाई। अब ये देखिए स्ट्रोक मैंने इनेबल कर लिया, अब आने लगा थोड़ा थोड़ा लोफी का थंबनेल वाला लुक, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसका जो है सिंपली यहाँ से शैडो को हमें इनेबल कर देना, जिससे ये हाईलाइट होने लगा। ब्लर रेडियस थोड़ी सी कम कर देना एंड यहाँ से एक्स ऑफसेट को थोड़ा सा बढ़ा देना और यहाँ से वाई ऑफसेट को थोड़ा सा बढ़ा देना। देखिए बैकग्राउंड में थोड़ा सा उसकी शैडो आ चुकी है, जिससे ये हाईलाइट अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद हमें करना क्या है, सिंपली यहाँ से कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है, कॉपी कर लेना है। ये देखिए दो टेक्स्ट हो जाएंगे, दूसरे वाले पर डबल टैप करना है एंड यहाँ से अब आप कुछ भी लिख सकते हो, 2-3 वर्ड से ज़्यादा आप मत लिखना, ठीक है। जैसे लोफी 2022 मैंने ऐसे लिख दिया। इतना लिख देने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो, कैसा भी कर सकते हो। देखिए ज़्यादा कुछ वैसे भी नहीं लिखा होता है लोफी के थंबनेल में, आप जानते ही होंगे, ठीक है। अब इतना तो हो ही गया अपना काम और ये जो है बन चुका हमारा थंबनेल। इस तरह से आप इजीली बना सकते हो। लास्ट में आप एक और कॉपी करके यहाँ से अपना थंबनेल पर अपना कॉपीराइट लगा सकते हो, जिससे मतलब कोई आपका थंबनेल कॉपी ना कर पाए। जैसे बाय 18 टेक्नोलॉजी मैंने लिख दिया, इसका कलर हम कर देते हैं वाइट, ठीक है, हल्का सा यहाँ पे ऐसे। देख सकते हो भाई कितना तगड़ा लग रहा है थंबनेल, ठीक है।